दोस्तों, मैं मुकेश डिंगरा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी कॉकटेल में स्वागत करता हूँ। तो यारो, आज हम रिव्यू करेंगे एक अपना एंटीक्विटी ब्लू अल्ट्रा प्रीमियम विस्की की। मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो चलिए बॉटल को अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉटल का शेप देखिए, बहुत ही बेहतरीन शेप है। और बॉटल का कलर भी देखिए, डार्क नेवी ब्लू कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। अगर समझो बार में बहुत सारी बॉटल्स पड़ी हो, तो बंदे को सबसे ज़्यादा यही बॉटल अट्रैक्ट करेंगी, अपनी ओर खींचेंगी। मेरे कई सारे रिलेटिव्स का ये फेवरेट ब्रांड है, मैंने बहुत सारे रिलेटिव्स को ये पीते हुए देखा है। और ये बॉटल का जो शेप है, एक यूनिक ही शेप है। पीने के बाद वो बॉटल फेंकते नहीं है, इसमें ज़्यादातर वो मनी प्लांट का यूज़ कर लेते हैं। ये एक एंटिक बॉटल है, या फिर वो शोकेस में भी रखते हैं, पर ये बॉटल फेंकने का उनका दिल नहीं करता। एंटीक्विटी को लॉन्च किया था 1992 में शॉ वैलेस ने, तो उसके बाद यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड ने इसे ख़रीद लिया था। फिर बाद में डाइजियो इंडिया ने इसे बनाना शुरू किया। तो देखिए ये जो बॉटल है, इसके ऊपर एक लोगो है, लोगो का मार्क है, उस पर दो बगले दिखाए हुए हैं, एक का सिर लेफ्ट साइड है और एक का सिर राइट साइड में है। ये क्यों ऐसे बनाया हुआ है लोगो, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये जो विस्की थी, पहले पास्ट में एक बेहतरीन विस्की साबित हुई, और बाद में इन्होंने दिखाया कि फ्यूचर में भी ये एक बेहतरीन विस्की का काम करेंगी। आप लोगों तक ये एक बेहतरीन विस्की पहुँचाने का काम इस कंपनी ने किया, इसलिए पास्ट और फ्यूचर का दिखाया। और ये एक विस्की है, एक प्रीमियम बेहतरीन विस्की है, प्रीमियम क्वालिटी की बेहतरीन विस्की है, जो आज भी लोग इसे पसंद करते हैं। इस विस्की की खासियत यह है कि इसे कॉपर पॉट्स में बनाया गया हुआ है, तो डिस्टिल करके बनाया हुआ है। और नॉर्मली कैसे बनाते हैं, वो वुडन पॉट्स में बनाते हैं, वुडन के जो रहते हैं ना बड़े बड़े, उसमें बनाते हैं। इसमें कॉपर में बनाया हुआ है डिस्टिल करके, तो इसका टेस्ट इसलिए बेहतरीन टेस्ट आता है। कॉपर में जब वो डिस्टिल करते हैं तो टेस्ट एकदम बेहतरीन आता है, स्वाद का एकदम अलग ही टेस्ट आता है। तो चलिए बॉटल को खोलते हैं और विस्की को पोर करके देखते हैं। थर्टी एम एल मैं लेता हूँ, ग्लास में मैंने 30 ml पोर की है। कलर देखिए दोस्तों, एकदम एंटी गोल्डन कलर है, ज़बरदस्त कलर है, गोल्ड गोल्ड जैसा कलर है, इसलिए इसका नाम एंटीक्विटी रखा गया है। चलिए अब नोजिंग करके देखते हैं इसमें से मुझे क्या फ्लेवर्स मिल रहे हैं। दोस्तों मुझे मॉल्स का फ्लेवर आ रहा है, और मुझे थोड़ा हनी का नोट्स मिल रहा है। मुझे इसमें से थोड़ा आर्टिफिशियल फ्लेवर जो डाले हुए हैं, तो उसमें से मुझे थोड़ा मेडिसिन के जैसा स्मेल आ रहा है। तो चलिए अब हम टेस्ट करके देखते हैं क्या क्या बोलती है टेस्ट में ये विस्की। काफ़ी लाजवाब विस्की है और स्मूथ भी है। तो दोस्तों इसमें से मुझे थोड़ा स्मोकी टेस्ट आ रहा है और थोड़ा स्वीट लग रही है, स्वीटनेस थोड़ी ज़्यादा है। ओवरऑल यही कहूँगा कि ठीक है, टेस्ट ठीक है, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है, टेस्ट अच्छी है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा पानी मिलाकर देखते हैं, पानी मिलाकर आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसे लग रहा है। दोस्तों इसमें से मुझे थोड़ा फ्लावर के जैसा खुशबू महसूस हो रही है,
फ्लावर जैसा थोड़ा टेस्ट आ रहा है। और एक काली मिर्ची जो रहती है ना, काली मिर्ची के जैसे थोड़ी खुशबू आ रही है, टेस्ट में भी उसमें थोड़ा महसूस हो रहा है, थोड़ा स्पाइसिस टाइप, थोड़ा मामूली स्पाइसिस लग रही है। और मैं यही कहूँगा कि टेस्ट अच्छी है, ख़राब नहीं है ज़्यादा। और इसमें जो यूज़ किया हुआ है, जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, वो मुझे पसंद नहीं है, पर्सनली मुझे वो पसंद नहीं है। पर वो ये वो उसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया हुआ है इस विस्की में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ठीक है, ऐसे कोई ख़राब नहीं है, गले में से स्मूथ उतर गए, ज़्यादा बर्न नहीं हुआ, ठीक है। एंटीक्विटी ब्लू का अल्कोहल वैल्यू में 42.8%। और दोस्तों अब रेट की बात करते हैं, तो ये जो बॉटल है 750 ml की बॉटल, मुझे पुणे में 1450 रुपये में मैंने ली है। और बाकी के स्टेट में सबका रेट अलग अलग है, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, वहाँ उनका रेट थोड़ा कम है, चंडीगढ़ में, पंजाब में इनका रेट कम है, महाराष्ट्र में थोड़ा रेट हाई है। चलिए हमेशा की तरह एक शायरी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। शराब इश्क से बेहतर है जनाब, शराब इश्क से बेहतर है जनाब, इसे समझना है तो थोड़ा पीना पड़ेगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा, नशा कम करें और खुश रहे। गुड बाय, चीयर्स।